आज ना चल बढ़िया नहीं क्यों बे? बताओ भाई एटीट्यूड आ गया तुम में बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। आज मैं सुन के जाऊंगा बताओ, कल कमेंट नहीं आए, लाइक्स और भी नहीं कर रहे अब तुम। मतलब तुम्हें अब इतने सालों बाद भी समझाना पड़ेगा, लाइक और कमेंट करना पड़ता प्लस शेयर भी, और सब्सक्राइब तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी। तो आज बताओ प्रॉब्लम क्या है? साले तुम्हारे अंदर का कार्तिक आर्यन नहीं निकलना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है बताओ? क्या रुके क्या हो, बोलो सुनूंगा मैं। क्या घमंडी आदमी हो यार तुम, बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ बे, आज भी टॉपिक नहीं तेरे पास है? ओहो नाम क्या मेरा, नाम क्या मेरा, मुझे भी नहीं मालूम एक्चुअली कौन हूँ मैं, मुझे खुद नहीं पता भाई साहब। ज्ञानी हूँ मैं, यही नहीं बने हम। कंटेंट की कमी मेरे को हो जाए पॉसिबल ही नहीं बे, बस आज नहीं है, दिमाग खराब हो गया भाई साहब। 8:56 हो रहे हैं। हाँ ये चाइनीज फोन है, अगर तुमने बोला ना बॉयकॉट चाइना चमगादड़ नहीं खाना तो सालों पहले मुझे आईफोन दिला उसके बाद बात करेंगे, और कोई नहीं बोलेगा अमेरिका का दलाल बहनचोद। और ऐसे नहीं, मैं बस टॉपिक की कमी है, टॉपिक बहुत सारे हैं। पहले मैंने सोचा फनी एड्स बना लेते हैं, पहले मैंने सोचा न्यूज कर लेते हैं, सबसे इजी चीज वही होती है, बट कोई इंटरेस्टिंग न्यूज नहीं लगी मुझे, और जो है वो सैड चीज है, और ये एंटरटेनमेंट चैनल है, खुशियां बांटने के लिए है। तो फिर मैं गया फनी एड्स पे, फनी एड्स में मैंने सोचा यार इंडिया का तो बड़ा मजाक उड़ाया, अभी अमेरिका का उड़ाएंगे, अमेरिका का दलाल बहनचोद। बट साले उनके एड भी ऐसे थे कि 10 मिनट की वीडियो नहीं बन पाती। फिर मैंने सोचा मोटिवेशनल बात कर लेते हैं, लव रिस्पेक्ट ओपिनियन ह्यूमन काइंड पैशन। बट मैं कहा यार ज्यादा जज्बाती हो जाएगा इसमें, मैं खुद हो जाऊंगा, प्लस फ्लो कहीं से सेट नहीं हो रहा था उसका। और फिर मैंने सोचा इतना जरूरी भी नहीं डेली वीडियो बनाना, एक दिन छोड़ ले। फिर मुझे याद है 15 अगस्त भी छोड़ा हमने, और फिर मैं क्लूलेस हो गया, ब्लैंक हो गया भाई, जलसेबाज आ गया, जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा भाई। साले कुत्तों की जिंदगी, सच में गिव अप कर दिया था मैंने। फिर मैं बैठ के मैंने चाय लेके आया, सॉरी याद आ गया चाय पीनी, बड़ा ठंडी ठंडी हो रही है वैसे भी। मैं रुको बे चाय पी रहे हैं यार, क्या हो गया? 10 मिनट ऐसे ही कर दूंगा मैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। तो फिर मैं बैठ के गाने सुनने लग गया, और गाना बजा साकी से मोहब्बत हो। अबे क्या गाना है वो, अभी तुमको मालूम है, अभी तुमको मालूम होना चाहिए दैट आई लव संजू बाबा। जेन्युइन प्यार है, असली स्वैग का मीनिंग उन्होंने बचपन में सिखाया मुझे, सिर्फ इसलिए, बाकी नेपो किड हटाओ, सैक्रिफाइस बलिदान करना पड़ेगा। और फिर मैं कहा यार ये इस गाने में म्यूजिक वीडियो मैं नहीं देखता, बट ये गाना मुझे बहुत सही लगता, मतलब बचपन में स्वैग दिखा था इस गाने में, क्योंकि घुमाने वाला वो बड़ा स्वैगी था बे। आजकल जब मैं सुनता हूँ ना मैं म्यूजिक वीडियो नहीं देखता, और यही चीज मुझे आज एहसास हुई कि अब मैं ये म्यूजिक वीडियो नहीं देखता, अब मैं बस गाना सुनता हूँ और अपना काम कर रहा होता हूँ, क्योंकि बहुत वेल रिटन सॉन्ग है, और उससे भी इंपॉर्टेंट जो सिंगर्स चूज किए गए थे इस गाने के लिए, मतलब गाने की लाइनें बे, इश्क की गलियों में ना जाना, इश्क बड़ा बदनाम है, उस पर लौंडा कहता है अबे इश्क तो मेरा पता है, आशिक मेरा नाम है, मैं की आंख स्वैग देख रहा हूँ लौंडे का, तेरी माँ की चल निकल अपना का देख, अपने बाप को मत सीख चल। और इस टाइम तक मेरे को नोटिस नहीं हुआ था कि हाँ ये चीज है, बट फिर मेरे को सजेस्टेड सॉन्ग आया एक, लगन 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 लग गई है, अब मैं बजा दिया, क्योंकि भाई साहब याद है बीच की मांग निकाल के साइकिल चलाना शर्टलेस, किया मैंने बताया हुआ, झूठ नहीं बोल रहा मैं भाई साहब। लगन लगन लग गई है, तुझसे मेरी लगन लगी, लग गई तो डैंग बन, रिजेक्ट नहीं कर सकते कोई लड़की इस गाने की वजह से मेरे को। और फिर मेरे को एहसास हुआ यार ये तो काफी सिमिलर वॉइस है, क्योंकि हम तो सलमान खान देख रहे थे। लगन लगन भाई साहब मजाक नहीं कर रहा, अगर इस वीडियो में मजा नहीं आ रहा ना तो मैं ये वीडियो खोलो लगन लगी और सलमान खान को डांस करते हुए देखो, एक नंबर मजा, एक नंबर। क्या था वो, पैर से दिखा नहीं सकता भाई साहब जो फुटबॉल खेला इन्होंने डांस में। साले तुम्हें लगता मैं घटिया डांसर हूं, इसको ट्रेंड लोगों ने सिखाया है फिर भी नहीं नाच पाया, मैं थोड़ा तो एफर्ट मार, बट द पॉइंट इज ये दोनों सिंगर एक ही है, नाम बता क्या है, सुखविंदर सिंह, टाइटल में पढ़ के गैस मत करो, चल बे छोटी लुल्ली वाले लेस्बियन। और फिर मैंने सर्च करा सुखविंदर सिंह, अब मुझे पता चला कि इसने इतने फेमस सॉन्ग दिए हैं, बस एज एन किड जब तक मैं म्यूजिक में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं था ना मैंने ध्यान में नहीं दिया। और फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ छैया छैया चल छैया छैया, तो तुम्हें शाहरुख खान ट्रेन और मलाइका अरोड़ा याद आती है, सिंगर देखे नोटिस किया कभी, सुखविंदर बाजी सुखी ओ
सुखी भैया। साला आज तक हम उस गाने के बारे में बात करते हैं क्योंकि शाहरुख खान पिक्चराइजेशन सब, बट जो गाना गाया जिसने और जो राइटर, कौन पूछा कौन पूछा? अकॉर्ड है, तूने नहीं पूछा, हमने तो पूछा। वीडियो भी मैं ही बना रहा हूं ना, फिर चुप, काट दूंगा साले। कुछ भी मुझे नहीं पता तुम में से कितने लोग सिंगर हैं और कितने लोग गाने का शौक रखते हैं मेरी तरह, बट सुखविंदर पाजी की आवाज इतनी यूनिक है और इतना जो गाने वो करते हैं वो इतने मुश्किल होते हैं ना तुम्हारी नॉर्मल लाइफ में भी गाना, और उसके बाद भी उन्होंने सुपर हिट दिए हैं। और सुपर हिट में गाने का नाम बताऊं, और शाहरुख खान पकौड़े, आई लव यू मैन, जो अलग बात है, बट शाहरुख खान के लिए कितने हिट सॉन्ग दिए हुए हैं बे, वो याद है तुम्हें? मैं 90% श्योर हूं अगर तुम्हारा दिल टूटा है और तुम किसी की याद में जीते हो तुम्हें भी ये गाना पसंद होगा। लाई भी न गई तैनी भाई भी न गई भाई साहब, मुझे लगता था सोनू निगम ने गाया है क्योंकि मैंने बहुत पहले सुना था, अभी रिसेंटली भी सुना था मैंने कभी ऑब्जर्व नहीं किया, और मुझे लगता था सलमान खान ने वीडियो में, एक्चुअली शाहरुख खान निकला। अबे ये चेहरे कैसे बदल रहे हैं आपस में, दिल है मेरा दिल तोड़ जाने वाली है, तोड़ जाने वाली, कॉपीराइट नहीं आना चाहिए भाई साहब, गाया नहीं है मैंने ढंग से, पूरे सुर बदले हैं, हम रीमेक करते हैं, कॉपी नहीं, फक दैट रीमेक। बट कितना ब्यूटीफुली लिखा हुआ और कितना ब्यूटीफुली गाया हुआ है, मतलब एक तो उनकी हैवी वॉइस लगती है मुझे, हार्ड कोर वॉइस लगती है, बट उसके बावजूद क्या जज्बात दे के गए हैं यार, वो भी छोड़ो बे, वो याद है तुम्हें, हले 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 हो जा, अबे मेरे को तो 2 सेकंड में हो जाता है, बाकी 8 सेकंड में होता है, हले हले नहीं होगा, हो चुका है मेरे को तो। और ये भी छोड़ो, ये सारे गानों में शाहरुख खान है बाय द वे, चक दे ओ चक दे इंडिया, ओ इंडिया चक दे, मतलब अभी देखो ना जब भी इंडिया खेलने जाता हम क्या खाते, चक दे इंडिया, चक चक दे, मेरा दिमाग 24 घंटे मुझसे यही कहता रहता बे कुछ करिए बे कुछ कर पकौड़े, जिंदगी में कब तक वीडियो बनाएगा, बुढ़ापे में आके करता रहिए, वेलकम बैक गाइस, अबे चुप, तू भी छोटी लुल्ली वाला, तुम नहीं बे मेरा दिमाग। और ये भी छोड़ भाई साहब, मेरे को लगता है सुखविंदर सिंह ने ना 20s में जितने भी है ये 2000 के बाद से सॉन्ग्स में एक नंबर दिया है, हाँ ठीक है छैया छैया पहले आया था 1998 में आया था, बट उसके बाद से जितने भी सॉन्ग सुपर हिट दिए हैं उनको उतना ड्यू क्रेडिट नहीं मिला। मतलब जब ओम शांति ओम आई थी ये दर्द डिस्कोस में गाना था जो सुक्की पाजी ने गाया था, दिल में मेरी, हमने बात क्या करी शाहरुख के सिक पैक, भाई साहब झूठ नहीं बोलूं, झूठ बोलूं तो अभी भूकंप आ जाए यहाँ पे, साले सच में ना जाए भाई साहब, मैं वो इंसान हूं ना जिसको जिंदगी में सिक्स पैक में बियर चाहिए, एब्स नहीं, वो बहन जो पूरी दुनिया छाप रही है शाहरुख खान के सिक्स पैक, ओह माय गॉड क्या मेहनत करी है, गा के देख तू पकौड़े। और सिर्फ यही नहीं बे, दबंग ले लो, सिंघम ले लो, दोनों के टाइटल ट्रैक पाजी ने गाए हुए हैं, मैं बता रहा हूँ पाजी किसी भी गाने को गा रहे हैं तुम इमोशन भी फील कर जाओगे और एनर्जी भी आ जाएगी लाइफ में। और ये सारे गाने जो मैं एक्चुअली मेरे को पसंद है, और साकी साकी तो ऐसा है जो मैं रेगुलर बेसिस पर सुनता हूँ, आई लव दैट मूवी, वो मूवी आज तक मैंने नहीं देखी आज तक नहीं देखी, मेरे को वो मूवी पसंद है उसके गानों की वजह से, सुखी पाजी की वजह से, और इवन उसका एक और सॉन्ग था ना तेज दौर, वो संजू बाबू ने गाया था वो भाई, दो गाने तो मेरे को एकदम प्यार है उन गानों से, मतलब सुख मानो या ना मानो, उनको क्रेडिट मिले या ना मिले, या तुम लोग इज्जत दो या ना दो, मैं प्यार करता हूँ भाई, पाजी गाना एक अलग ही जलवा है, अबे जलवा हुस्नों का है जलवा, अबे जिस्मों का है मस्त एक नंबर। अबे एक और गाना था उनका, कमीने मूवी में था यार, जिस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई थी कुछ वर्ड वो लेके, आजा दिल निचोड़े, मैं तो डेली निचोड़ता हूँ रात की, मैं तो डेली रोड रात में मटकी तोड़ रहा हूँ कोई गुड लक निकाले आज गुल्लक को तोड़े, क्या डीप लाइनें लिखी हो, क्या गाया है क्या गाया है भाई साहब, बता रहा हूँ साले पूछने का क्या बता रहे हो। और वो गाना कैसे भूल सकते हो तुम, स्लम डॉग मिलियनेयर का, जिसकी वजह से AR रहमान को म्यूजिक और गाने का मिल गया था बैक, क्या जो भी मिला था अवार्ड, ऑस्कर मिल गया था, जय हो मतलब चक दे और जय हो हर जगह यूज होता है, और कौन है सुक्की बाजी। एक्चुअली ये सारे गाने मेरे को पता थे सुक्की बाजी के, बस कहानी बनानी थी और यहाँ तक लाना था। अगर तुमने नहीं सुने तो पक्का सुनो, ये वो है ना जैसे 90s वाले लोग बोलते ना कि हाँ अरे गाने तो सुक्की पाजी ने हमें वो गाने दिए हुए हैं जो हम सुन सकते हैं और प्राउड कर सकते हैं अपनी जनरेशन पे, मतलब तुम्हारी जनरेशन, मैं तो 90s के डू मैं तो 90s के डू, और एक मिनट खुश मत हो ना, सुक्की पाजी भी 1998 में आए थे हम कभी भी नीचा दिखाने से पीछे नहीं हटेंगे तुम्हें सालो साले प्ले स्टेशन पे क्रिकेट खेलने वालो पाप लगे सब ये एक छोटा सा ट्रिब्यूट था जो मैं उन्हें देना चाहता था, और ये
ऐसा भी नहीं है कि ये वीडियो मैं आउट ऑफ कंटेंट जाने की वजह से बना रहा हूँ। बैकअप ऑप्शन हमेशा मेरे पास होता है लाइव स्ट्रीम का। ये बस एक नई चीज़ थी जो मैं बहुत दिनों से ट्राई करने की सोच रहा था कि आर्टिस्ट को अप्रिशिएशन दे, जैसे हमने ब्रू सीना लव्स यू चला रखा है, तो इन्होंने इतना अच्छा काम किया है और मुझे लगा इनको रिस्पेक्ट और एक ट्रिब्यूट तो बनता ही है। सो लेट मी नो तुम्हें कैसा लगा। और हाँ, मैंने बहुत सारे गाने छोड़े पाजी के, तो अगर तुम्हें कोई और गाना पसंद है कमेंट करके बता दो। और बस अभी के लिए इतना कॉफी, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया तो स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, और मैं मिलता हूं कल तब के लिए। पीस आउट। आ जाओ डिस्कॉर्ड पर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मन में उतरना और मन से उतरना दोनों ही चीज़ें तुम्हारे बिहेवियर पर डिपेंड करती हैं। चूज़ टू ए ब्रा।